हेलो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम लोग ना जो सीरीज चला रहे हैं अभी, ग्रेविटेशन की सीरीज चला रहे क्लास 10th का, तो ये सीरीज का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आए। और इस लेक्चर में हम लोग आगे का चीज दैट इज कैपलर्स लॉ को सीखने वाले, राइट? तो सब लोगों को रेडी हो जाना है। हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशन के बारे में सीखा था कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन के लिए हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट सीखा था, सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो ये सारे चीजों को अभी हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो कैपलर्स लॉ के ऊपर रहने वाला है, जो कि हम लोगों को बताएगा किस तरीके से प्लैनेट का बिहेवियर होता है रिवॉल्यूशन में। ओके, सो वेलकम एवरीवन वंस अगेन टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। तो लेट अस बिगिन। आज का हम लोग का जो टॉपिक है बहुत खास है, दैट इज द कैपलर्स लॉ। तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैपलर्स लॉ, जब हम लोग कैपलर्स लॉ की बात करते हैं, तो देखो इसके अंदर एक्चुअली क्या है। तो ये जो कैपलर्स लॉ, इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो हम लोग इसमें प्लैनेटरी मोशन की बात करेंगे। तो व्हाट इज प्लैनेटरी मोशन? तो इसका मतलब होता है कि जो आपके प्लैनेट्स है वो किस तरीके से मोशन करते हैं। तो हम लोगों को हमारे सोलर सिस्टम के बारे में एक आइडिया है कि इन आवर सोलर सिस्टम द सन इज एट द वेरी सेंटर, राइट? और उसके चारों बाजू में क्या होते हैं, सारे के सारे जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते रहते, राइट? सेम हमारे नेचर में एटम का भी सिस्टम होता है। एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके चारों बाजू में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, राइट? तो सेम सोलर सिस्टम में भी सेंटर में सन है, उसके चारों बाजू कौन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है हमारे प्लैनेट्स, जिसमें हम लोगों का मेन जो मेजर प्लैनेट है जहां पे लाइफ सस्टेन करता है दैट इज अर्थ, राइट? तो हम लोगों को कैपलर्स ने कुछ नियम बताए कि जब आपका प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट, इट इज नॉट की अर्थ, कोई भी प्लैनेट जब मोशन करता है सन के चारों बाजू में, तो सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं ना, कुछ नियम को फॉलो करते, कुछ रूल को फॉलो करते, और वो रूल उन्होंने अपने प्लैनेटरी मोशन के नियम के अंदर, लॉ के अंदर सिखाने की कोशिश की, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला लॉ उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि जो पहला लॉ होता है उसे हम बोलते हैं लॉज ऑफ ऑर्बिट, लॉज ऑफ ऑर्बिट। अब ये कौन सा लॉ हो सकता है? तो देखो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है ऑर्बिट की बात की जा रही है, राइट? तो ऑर्बिट की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हम लोगों को बताया जा रहा है कि जो प्लैनेट है वो कौन से ऑर्बिट में किस तरीके से घूमते हैं। तो उनका कहना था कि एवरी प्लैनेट, देखो जरा ध्यान से, कोई प्लैनेट है, सपोज ये सन है सेंटर में, राइट? तो उनका कहना था कि जब अर्थ इसके चारों बाजू में रिवॉल्व करता है तो अर्थ हमेशा क्या करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है। उन्होंने क्या बोला, अपने लॉ ऑफ ऑर्बिट में, नियम में उन्होंने बताया कि कोई भी जो प्लैनेट होता है, इट कैन बी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, वीनस, एनी प्लैनेट, राइट? तो एनी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते, ये सर्कुलर ऑर्बिट में बिल्कुल भी नहीं घूमते। और जब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते ना, तो सन एक फोकस पे होता है, एक सेंटर पे होता है, एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं होता, बिकॉज जो आपका एलिप्स होता है उसके पास सेंटर नहीं होता, बट उसके पास फोकस होता है। हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये प्लैनेट है अर्थ, तो ये यहाँ पे घूम रहा है, राइट? तो अभी इस केस में जो आपका अर्थ है वो अर्थ सन से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा। देखो अगर अर्थ यहाँ पे होता तो आप देख सकते हो डिस्टेंस इतना है, अगर अर्थ यहाँ पे, तो देखो ये डिस्टेंस कम है। तो अर्थ जो होता है वो अपने मोशन को इस तरीके से करता है कि जो सन है वो सेंटर पे नहीं आता है, या तो अर्थ सन के पास में होगा या तो अर्थ सन से दूर होगा, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं पोजीशन को। तो आप इसको अगर अच्छे समझ में समझना चाहते हो, पहले हम लोग इसके नियम को लिख लेते हैं। इन्होंने बोला कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट दी फोकाई, एट दी फोकाई। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी प्लैनेटरी मोशन होता है कोई भी प्लैनेट का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं। जो अर्थ है ना, जैसे यहाँ पे सन है, ओके ये सन है, तो अर्थ क्या करेगा, इसके चारों बाजू में क्या करेगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, जहां पे आपका अर्थ जो है या तो प्लैनेट जो है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, जो प्लैनेट है वो इधर कहीं पे होगा जहां की सन सेंटर में कभी नहीं होगा। सन है कोई भी फोकस पे, या तो सन अर्थ के पास यहाँ पे हो सकता है, या तो सन अर्थ से दूर, देखो यहाँ पे अर्थ से दूर है, या तो अर्थ के पास होगा, इसको फोकस बोलते हैं, राइट? तो यही लिखा है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट द फोकस। फोकस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया, या तो वो पॉइंट
या तो वो पॉइंट से अर्थ जो है वो पॉइंट किसका पॉइंट होगा, सन का पॉइंट होगा, फोकस सन का पॉइंट होता है, जहां पे सन होता है या तो वो पॉइंट अर्थ से दूर होगा या तो पास होगा, एग्जैक्टली सेंटर कभी नहीं होगा। ओके, तो ये हम लोगों का अर्थ है, या तो सन ये वाली जगह पे हो सकता है या तो ये, अगर ये जगह पे सन है तो सन अर्थ से पास है, अगर ये जगह पे सन है तो अर्थ से दूर है, इसी को फोकस, कोई भी फोकस पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं विद द सन एट वन ऑफ द फोकस, वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने अपने सेकेंड नियम में क्या बताया, अब सेकेंड नियम जो होता है वो होता है लॉस ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया। अब ये क्या होता होगा, क्या अर्थ का प्लैनेट का सारे प्लैनेट का एरिया सेम? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या बताया कि जब भी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं किसका, सन का, तो उस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे, तो उस टाइम पे जितना टाइम दिया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को खत्म करने के लिए, यानी इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। चलो देखते हैं, सपोज यहां पे आपके पास एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट, यहां पे सन है, यहां पे अर्थ है, प्लैनेट। अभी देखो, अगर प्लैनेट यहां से स्टार्ट करता है, जो कि अभी प्लैनेट इतने दूर है सन से, राइट, अगर यहां से चलना स्टार्ट करता है, मैं इसको एक सेकेंड का टाइम दूं, मान लेते हैं एक सेकेंड में प्लैनेट चलते चलते यहां पे आ जाता है, ये एक सेकेंड में प्लैनेट चलते चलते इतना एरिया कवर कर लेता, स्वीप कर लेता बोलते हैं, कितना एरिया कवर हुआ, ये इतना एरिया कवर कर लिया, राइट। तो जब प्लैनेट यहां पे कहीं पे होगा, तो अगर मैं यहां पे भी देखो, ये मैंने बताया आपको, सपोज एक सेकेंड का आपने टाइम दिया, तो एक सेकेंड के टाइम में इतना एरिया कवर किया प्लैनेट ने, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वल एरिया कैपलर से कहना चाहते हैं कि अगर यहां पे एक सेकेंड में अगर इसने इतना एरिया कवर किया, तो अगर ये वाले पॉइंट पे जब अर्थ पास में होगा सन से, यहां पे भी अगर आप एक सेकेंड दोगे तो उसको उतना ही एरिया कवर करना पड़ेगा। तो देखो ये कितना एरिया कवर करेगा, सेम एरिया कवर करेगा। तो अगर ये सेम एरिया कवर करना चाहता है उतने टाइम में, तो इसको ना इधर पे डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहां पे अर्थ और सन की दूरी बहुत पास में हो गई है। तो अगर एक सेकेंड में यहां पे इसने 10 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया है, तो यहां पे भी एक सेकेंड में इसको 10 मीटर स्क्वायर का एरिया ही कवर करना पड़ेगा, यही नियम होता है प्लैनेट का। इसके लिए इसको यहां पे कैसा डिस्टेंस कम है, इसके लिए सेम एरिया, इधर जितना एरिया कवर हुआ उतना एरिया इधर कवर करने के लिए इसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है यहां पे भी एक सेकंड दिया गया, यहां पे भी, लेकिन यहां पे एक सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्योंकि लेंथ ज्यादा है, यहां पे लेंथ कम होने से चौड़ाई को, विड्थ को ज्यादा करना पड़ेगा सेम एरिया बनाने के लिए, तो इसको डिस्टेंस ज्यादा करना पड़ता है सेम टाइम, तो सेम टाइम में डिस्टेंस ज्यादा चल रहा है इसको, तो यहां पे इसका जो स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, राइट। इसका मतलब होता है जब प्लैनेट अर्थ से दूर होता है, सॉरी नॉट अर्थ, सन से दूर होता है, जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसका स्पीड कम होता है, लेकिन जैसे ही प्लैनेट पास में आता है उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो इसका स्पीड देखो ऐसे होगा, यहाँ पे दूर है सन से, दूर है प्लैनेट, तो धीरे धीरे जाएगा, जैसे पास आएगा बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि समय सेम दिया गया, डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करना, लेकिन उतने ही डिस्टेंस पे एरिया सेम कवर करेगा। यहां पे एक सेकंड में इतना एरिया कवर किया है, लेंथ ज्यादा था इसके विड्थ कम रखना पड़ा, यहां पे लेंथ कम हो गया तो विड्थ ज्यादा रखना पड़ेगा, अगर सेम एरिया बना तो इसको डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा जब अर्थ के सन के अर्थ पास होता है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ इक्वल एरिया। तो यहां पे लिखा गया है द लाइन ज्वाइनिंग, हम लोग बोल सकते हैं ये जो लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड अर्थ स्वीप्स, स्वीप्स मतलब कवर करना, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपने सेम टाइम दिया तो सेम एरिया कवर होगा, डिस्टेंस सेम कवर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बट एरिया सेम कवर होगा, राइट। तो इससे ये पता चलता है कि जब अर्थ सन से दूर होता है तो स्लो चलता है, रिवॉल्व होता है, जब अर्थ सन के पास जाता है तो उसका स्पीड जो होता है रिवॉल्यूशन का बढ़ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो नियम होता है उसे हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ टाइम पीरियड बोल सकते हो। अब ये क्या बोलता है, लॉस ऑफ टाइम पीरियड बोलता है कि अगर हम लोग एक चक्कर लगाने के टाइम को देखें,
तो ये टाइम जो है ना वो अर्थ और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ मैथमेटिकल रिलेशन से डिपेंड करता है। फिर से अगर मैं बोलूं एक चक्कर लगाने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है, एक चक्कर लगाने के लिए किसी भी प्लैनेट को कितना टाइम लगता है, तो ये टाइम ना प्लैनेट और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसके ऊपर कहीं पे डिपेंड करता है। और वो चीज के बारे में हम लोग को कैप्लर्स ने इस तीसरे नियम में बताने की कोशिश किया। तो उन्होंने क्या बताया कि द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट, ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सब लोग ध्यान दो, इसको अभी पूरा सही नहीं है, करेक्ट करूंगा अभी, पहले समझते हैं। The time period of revolution of a planet is directly proportional to mean distance between Earth and Sun. Earth and Sun. अभी देखो इसको मैं करेक्ट करता हूं, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब सपोज ये आपका एक इलेप्टिकल ऑर्बिट, यहां पे सन बैठा हुआ है, यहां पे अर्थ बैठा हुआ है, तो ये दोनों के बीच में जो मेन डिस्टेंस होगा इसके ऊपर टाइम डिपेंड करेगा। सिर्फ इतना ही लिखा है मैंने, लेकिन जब मैथमेटिकली इसको समझा गया तो ये पता चला कि टाइम पीरियड नहीं बल्कि टाइम पीरियड का स्क्वायर है। तो अब मैं एक टर्म ऐड करूंगा, द स्क्वायर, क्या ऐड करूंगा, द स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर ऑफ और क्यूब ऑफ, इसको इस तरह से मैं वैसे लिख देता हूं। चलो एक काम करते हैं, इसको भी वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं द स्क्वायर ऑफ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, नॉट अर्थ, प्लैनेट बोलेंगे हम, ठीक है, प्लैनेट एंड सन। इसका मतलब होता है कि जो आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है अगर वो बढ़ेगा, इसका मतलब है कि डिस्टेंस कहीं ना कहीं बड़ा था, डिस्टेंस का क्यूब बड़ा था। तो अगर डिस्टेंस जो है सन अर्थ के बीच का जो मीन डिस्टेंस है अगर उसका क्यूब बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, लेकिन टाइम पीरियड के अंदर किसके हिसाब से चेंज आएगा, स्क्वायर के हिसाब से चेंज आएगा। टाइम का स्क्वायर जिस हिसाब से चेंज होगा उसी हिसाब से डिस्टेंस के अंदर भी चेंज आया होगा। तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको सिंपल भाषा में समझो कि अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे टाइम बढ़ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करेंगे टाइम कम हो जाएगा, राइट। और उसमें आपको टाइम पे स्क्वायर लगा देना है या डिस्टेंस पे क्यूब लगा, तो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, राइट। तो इसका मतलब यही होता है, सपोज आर है, एक चक्कर लगाने के लिए उसको टाइम टी लगता है, तो आप इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बोल सकते हो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, t square is directly proportional to r cube, जहां पे इसको आप आगे लिख सकते हो t square is equal to k into r cube, where k is equal to some constant। कोई तो हिसाब से ये अपने आप को रिलेट करके रखते हैं कॉन्स्टेंट के हिसाब से, इतने हिसाब से चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो सिंपल ज्यादा कुछ नहीं था, ये तीन नियम हम लोगों को कैलकुलस में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, काम भी करते हैं। तो आप लोगों को ये नियम को याद रखना है, आई होप कि सब लोगों को समझ में आया, आप लोगों को मजा भी आ रहा है पढ़ने में। अगर अच्छा लगा ये वीडियो, ये लेक्चर्स आपको समझ में आया तो आपको लाइक करना है, फटाफट शेयर भी करना है। अगर आप न्यू हो चैनल पे तो आपको सब्सक्राइब भी करना है, अपने दोस्तों को भी करवाना है, और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहना है, हमारे साथ लर्न करते रहना, सीखते रहना है, सीखते ही रहना है हमारे साथ। आप आगे बढ़ते रहोगे, हमारे साथ जुड़े रहो, और भी लोगों को जोड़ो। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे आपको लिंक दिया, हमारे फोरम के, व्हाट्सएप के हैं, टेलीग्राम के हैं, आप उसके अंदर जुड़िए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, हमारे साथ जो मैंने लिंक दिया उससे आप जुड़िए, क्या प्रॉब्लम है आपको सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे, एंड दस आप हमारे साथ इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, थैंक यू।